उदय जी आपका बहुत स्वागत है बीटी न्यूज में। इस भीड़ का उद्देश्य क्या दिखाई पड़ रहा है? सर प्रथम नंबर मैं शाहपुर पश्चिम पंचायत की तमाम जनता को शुभकामना देना चाहता हूं कि आज प्रचार का अंतिम समय है और हमने काम किए हैं पंचायत के अंदर में काम के ऊपर हमको जनता जनार्दन जनता मालिक हमको वोट देंगे, वोट दे करके भारी मतों से विजय बनाएंगे। मैं तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं कि आज शाहपुर पश्चिम पंचायत में उदय राय मुखिया जो भी काम किए हैं काम के नाम पर हमको वोट मिलेगा और इसी कारण बस हम जो हैं अपना काम को देखते हुए अपना मैडम को खड़ा करें क्षेत्र में कि ताकि मैडम हमसे भी चढ़ बढ़ के काम करेगी और तमाम जनताओं के साथ मिलजुल कर रहेगी। हो गया पूनम जी, इतना जय घोष आपके विषय में हो रहा है, आपको लगता है कि सातपुर पश्चिमी की सभ्यता संस्कृति और विकास की रक्षा आप कर सकेंगे? हाँ हम कर सकेंगे। कहिए अपनी जनता को आश्वासन तो दीजिए। सब आदमी हमसे खुश है, सब आदमी हमको आगे बढ़ाए हैं। हाँ। लोगों के समर्थन से आप आए हैं। हाँ, उदय जी आपसे एक निवेदन है बीटी न्यूज का, आपके क्षेत्र में जल जमाव की भारी समस्या है और ये समस्या आज से नहीं किसानों के साथ है, ये लगातार जब देश गुलाम था तब भी वही समस्या थी, देश के आजादी के इतने वर्षों बाद भी समस्या ज्यों की त्यों है। छोटे छोटे किसान अब मजदूरी करने की स्थिति में है, उनकी जमीन डूबी रहती है पानी में। इस विषय में कब विचार करेंगे, कौन विचार करेगा? कई विधायक आए, कई मंत्री आए, सब चले गए। सातपुर पश्चिम पंचायत सातपुर कमाल प्रखंड में सातपुर पश्चिम पंचायत में और पश्चिम और पूरब दोनों एक पंचायत के जुड़े हुए हैं और दोनों पंचायत की पानी का निकासी जब तक मिलजुल कर हम नहीं चलेंगे दोनों पंचायत की जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तब तक पानी का निकासी नहीं बाहर हो सकता। हम सोच रहे हैं कि दोनों पंचायत की ग्रामीण और जितने भी प्रत्याशी हैं मिलजुल करके माननीय विधायक जी या सांसद महोदय जो भी है या माननीय मुख्यमंत्री जी वहां तक चल करके हम अपना आवाज़ उठाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का जल जमाव दूर हो और हमारे किसान भाइयों को अच्छा से अच्छा समय पर खेती करने का मौका मिलेगा। हम तमाम किसान से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमको साथ दीजिए और आपका साथ हम यहां से दिल्ली तक चलेंगे रहेंगे और आपके साथ हर समय आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा तमाम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जन सैलाब किस तरीके से उमड़ा है उदय जी के समर्थन में। आपको मैं बता दूं कि 7 वार्ड में 13 प्रत्याशी हैं और 13 प्रत्याशी में उदय जी से हमारी बात हो रही है। उदय जी एक सवाल और, आपके काफिला से हमें वीडियो करने से रोका गया है। देखिए कुछ ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र के हैं घर से बाहर नहीं निकलती थी महिलाओं, आज घर से बाहर निकली है, उनको मीडिया और मीडिया कर्मी के द्वारा कभी बातचीत नहीं किया गया था, इसी कारण बस उन्होंने कुछ शब्द ऐसा बोल दी ताकि आप उस शब्द से आप लोग दुखी नहीं होइएगा। और घर से बाहर जब महिला नहीं निकलती है तो कुछ न कुछ उनको आवाज़ निकालने में त्रुटियाँ होती है, हम महिला को खड़ा किए ताकि महिला को आवाज़ आगे बढ़ाएगी। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, मैं भीड़ से बाहर निकल करके आपको बता रहा हूँ कि ये सातपुर पश्चिमी का उदय राय का जनसंपर्क अभियान चुनाव के अंतिम दिन का ये चुनाव प्रचार अभियान रोड शो के माध्यम से किया जा रहा है और जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, निश्चय ही कहा जा सकता है कि 13 उम्मीदवारों में सर्वाधिक सशक्त उम्मीदवारी अगर किसी की है तो वो सातपुर पश्चिमी में उदय राय की अर्धांगनी पूनम देवी का है। बीटी न्यूज के लिए सातपुर पश्चिमी से पंकज भट्ट की ये रिपोर्ट।